दोस्तों, क्रिएटिव मनोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आज हम अपना जो खुद का पीसी है वो बिल्ड करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी अगर अपना पीसी जो है बिल्ड करना चाहते हैं तो उसको अपने से बिल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको हम लोग पहले अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे, उसके बाद बिल्ड करेंगे। तो देखिए, जबरोनिक का कीबोर्ड है। और माउस भी जबरोनिक का है। अब एक एक करके अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। ये साटा SSD है जबरोनिक का। ये 1 TB का है। ये पावर सप्लाई है जबरोनिक का 450 वाट का। इसके साथ हमको एक ठो केबल मिलता है, AC केबल। ये आपका CPU है इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन का 3470 जबरोनिक H61M2 का मदरबोर्ड है। इसके अंदर एक ठो साटा केबल मिलता है जो SSD में कनेक्ट होगा। एक ठो बैक पैनल मिलता है और एक ठो CD या DVD मिलता है, इसका कुछ काम नहीं है अभी। एक ठो यूजर मैनुअल मिलता है और उसके बाद हमको मदरबोर्ड मिलता है। उसके बाद CPU को कूलिंग करने के लिए एक ठो फ्रॉन्टेक का CPU फैन लिया हुआ है। 2 ठो रैम लिए हैं 8 GB का, 8-8 करके 16 GB होगा टोटल। ये है जबरोनिक का मॉनिटर जो 15.4 इंच का है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं। ये स्टैंड है इसका, ये यूजर मैनुअल है, ये देखिए। इसको हम स्टैंड के साथ ऐसे करके लगा देते हैं। और इसमें 2 ठो केबल हमको मिला है, एक ठो AC केबल मिला है और एक ठो VGA वाला केबल मिला है जो मॉनिटर और CPU को कनेक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है मेरा कैबिनेट। चलिए इसको भी खोल के आपको दिखा देते हैं। तो चलिए इसको असेंबलिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जबरोनिक का मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर है CPU उसे इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए देखिए, ये पिन जो है थोड़ा सा आपको साइड करके ऊपर की तरफ ले जाना है, जिससे ये लॉक जो है खुल जाएगा। और ये जो प्रोटेक्शन दिया हुआ था उसे हम निकाल लेंगे आराम से। उसके बाद प्रोसेसर को खोल के आपको देखना है, एक तो काट मार्क दिया हुआ है और आपका CPU जो प्रोसेसर है उसमें भी काट मार्क दिया हुआ है। तो उसको मिला के आपको बैठा देना है और उसके बाद लॉक को नीचे ले जाके जो पिन है उसे थोड़ा साइड करके लॉक कर देना है। लॉक हो जाने के बाद हमें एक ठो CPU कूलिंग फैन जो लिए थे उसे इसके ऊपर लगाना है। लगाने के लिए हम थर्मल पेस्ट का यूज करेंगे, ताकि हीट सिंक और जो हमारा CPU है उसका कनेक्ट अच्छे से रहे। तो इस टाइप से डाल के आपको हाथ से थोड़ा फैला देना है और उसके बाद CPU के ऊपर में अच्छे तरीके से रख के चारों उसका जो लेग है उसको देख लेना है कि वो नीचे की तरफ गया है कि नहीं गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये नीचे तरफ आ चुका है और उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने से ये लॉक हो जाता है। लॉक हो जाने के बाद जो VGA वाला पोर्ट है उसके बगल में लिखा हुआ है CPU फैन, तो आपको उसमें कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद हम रैम को ले लेंगे। 2 ठो मेरा रैम है 8-8 GB करके 16 GB टोटल। ये देखिए, 1 ठो और 1 ठो ये वाला है। दोनों रैम को हम जो उसका स्लॉट है उसमें कटिंग पोजीशन को देख के इस टाइप से लगा के
प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से एक आवाज़ आता है टक करके, ये देखिए आवाज़ आया, जिससे हमको पता चलता है कि रैम मेरा अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। रैम इंस्टॉल हो जाने के बाद हम कैबिनेट को ले लेंगे और कैबिनेट का जो पीछे तरफ स्क्रू है उसको खोल लेंगे और दोनों साइड का जो कवर है उसको निकाल लेंगे। ये देखिए स्क्रू खोल दिए हैं। अभी हम कैबिनेट के दोनों साइड का जो कवर है उसको निकाल लेंगे। कवर निकालने से हमें जो अंदर में काम करने में बहुत ही आसानी होगी, लाइट थोड़ा दिखेगा। चलिए अब हम स्क्रू जो इसके साथ दिया हुआ है उसको भी निकाल लेंगे। ये स्क्रू है, इसको अलग से रख देते हैं। अभी हम जो बैक पैनल हमें बोर्ड के साथ मिला है उसको निकालेंगे। उसको निकालने के बाद उसको पीछे साइड में एक तो दिया हुआ है स्लॉट, उसमें रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने से ये लॉक हो जाता है। उसके बाद मदरबोर्ड को लेके अच्छे से बैठा के हमें देख लेना है कि जितना सारा पोर्ट मदरबोर्ड का है वो सही से निकला है कि नहीं निकला है। तो देखिए सही से निकल गया है। अभी हम मदरबोर्ड का जो चारों होल है चारों तरफ, उसमें स्क्रू को डाल के स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। सभी स्क्रू टाइट हो जाने के बाद हम पावर सप्लाई को ले लेंगे और पावर सप्लाई को पीछे के ऊपर साइड में एक तो बहुत बड़ा ग्रुप टाइप का होल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें अच्छे से लगा के चारों स्क्रू जो है वो पावर सप्लाई में लगेगा, ताकि हमारा पावर सप्लाई जो है आसानी से बैठ जाए और इधर उधर ना जाए। तो चलिए पहले स्क्रू को कस लेते हैं। सभी स्क्रू को अच्छे से टाइट करने के बाद हम यूपीएस का जो बड़ा वाला जैक है उसका जो लॉक साइड है उसको देख के, और मदरबोर्ड में एक तो बड़ा वाला सॉकेट दिया हुआ है रैम के बगल में, आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे से दबा के टाइट कर देंगे। अभी यूपीएस से जो एक तो चार पिन वाला जैक निकलता है उसको हम जो हमारा मदरबोर्ड का वीजीए वाला जो पोर्ट है उसके बगल में देखिए चार पिन वाला एक ठो सॉकेट लगा हुआ है, तो उसमें हम लॉक को देख के अच्छे से प्रेस करके लगा देंगे। उसके बाद यूपीएस से एक ठो जैक निकलता है जो हार्ड डिस्क का और एसएसडी का पावर सप्लाई के लिए होता है, इसमें लिखा हुआ है एसएसडी। तो चलिए इसको हम काट मार्क को देख के सही से एसएसडी में कनेक्ट कर देंगे। ये SSD का पावर सप्लाई के लिए है। उसके बाद हम SATA केबल को ले लेंगे और SSD में कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको खोलते हैं। खुलने के बाद देखिए जो पावर सप्लाई जिस जहाँ पर लगा हुआ है उसके बगल में और एक ठो हमको जैक मिलता है जहाँ पर ये वाला केबल को कनेक्ट करना है, और मदरबोर्ड में इसका चार ठो स्लॉट दिया हुआ है, SATA 1, SATA 2, SATA 3 और SATA 4 लिखा हुआ है। तो हम SATA 1 में इसको देख के अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद कैबिनेट के साथ जो जैक आता है उसको भी खोल लेंगे, उसकी तार को। ये देखिए ये ऑडियो के लिए है, मतलब आगे तरफ ऑडियो का एक ठो हमको पोर्ट मिलता है तो उसके लिए है। तो ये हमारा मदरबोर्ड में ऑडियो बोल के लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर तीन ठो RCA सॉकेट लगा हुआ है उसके पीछे में। उसके बाद USB लिखा हुआ है, ये सब मेंशन किया हुआ रहता है, और बोर्ड में जो मदरबोर्ड है उसमें भी मेंशन किया हुआ रहता है, आपको देख के लगाना है। उसके बाद यूजर मैनुअल को देख के उसका जो पावर की है और रीसेट की है और इंडिकेशन जो रहता है आगे तरफ उसको कनेक्शन करना है, तो उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है, आपको यूजर मैनुअल को देख के ही लगाना है। हमने भी यूजर मैनुअल को देख के ही लगा रहे हैं। तो चलिए इसको सभी जो जैक है उसको मदरबोर्ड के साथ एक एक करके कनेक्ट कर लेते हैं देख देख के।
सभी जैक कनेक्ट हो जाने के बाद हम जो SSD है उसको जिस जो जगह है उसमें इंस्टॉल करेंगे। देखिए वहाँ पर SSD लिखा हुआ है, तो उस अंदर की साइड से हम SSD को रख के और बाहर की साइड से स्क्रू को अच्छे से कस देंगे। देखिए मेरा SSD जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी जितना सारा तार अंदर की तरफ है उसको एक साथ करके हम केबल टाई या किसी दूसरे चीज़ से उसको अच्छे से बांध देंगे ताकि तार जो है इधर उधर टच ना हो। सभी चीज़ असेंबल हो जाने के बाद हम दोनों साइड का जो कवर खोले थे उसको फिर से लगा के स्क्रू से टाइट कर देंगे। तो चलिए दोनों कवर को टाइट कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जितना सारा पार्ट्स का यूज किया गया है सभी का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो आप परचेज कर सकते हैं। ये हम CPU और मॉनिटर को कनेक्ट करेंगे और उसमें पावर देंगे। आप देख सकते हैं दोनों में हम पावर दे दिए हैं और अभी हम CPU का जो पावर ऑन वाला की है उसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने पर आपको CPU में देखिए इंडिकेशन दिख जाएगा, देखिए रेड कलर का लाइट जल गया है और मॉनिटर में जो हमारा जेब्रोनिक का मदरबोर्ड है तो उसका ब्रांड आ गया है। और इसमें अभी विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है तो विंडोज़ को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद हम इसे यूज कर सकते हैं।